तो ये है यहाँ का थाईलैंड मोनास्ट्री, जो कि लुम्बिनी में थाईलैंड ने ही खुद ही बनाया है, और अभी ये खुला नहीं, बट हम लोग आ गए परमिशन लेके। और ये है मेन मोनास्ट्री, देखो कितना सुंदर है। मतलब इंडिया का भी एक मोनास्ट्री, बट ये थाईलैंड वालों का मतलब बेस्ट माना जाता है। पूरा थाईलैंड मोनास्ट्री, अब जा रहे दूसरे कंट्री के। ये भी एक पार्ट है मोनास्ट्री का, बट ये है मेन मोनास्ट्री जहाँ पे अंदर टेंपल आपने देखा अभी। तो ये था इंडियन मोनास्ट्री जो कि इन्होंने बना रखा है लुम्बिनी में, आप लोग देख सकते हो। तो अभी हम लोग थाईलैंड से निकल के आ गए हैं कंबोडिया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ का भी मोनास्ट्री काफ़ी अच्छा है, इंडिया का काफ़ी छोटा सा। वो जो येलो बिल्डिंग देख रहे हो वो इंडिया का है, तो हम लोग उसमें गए ही नहीं, क्यों, और वो बंद भी था अभी। तो अभी आए हैं हम लोग कंबोडिया में, तो ये रहा कंबोडिया का। भाई यहाँ का काम देखो कितना ज्यादा ही सही है। तो ये जो है ये चाइना का मोनास्ट्री है, पर ये मतलब काफ़ी दिनों से खुला ही नहीं है, और इनफैक्ट ये सबसे बिगेस्ट मोनास्ट्री भी है मतलब पूरे लुम्बिनी एरिया में। बट वही ये काफ़ी दिनों से बंद है, पर इसके अंदर जो इसे मेंटेन करते वो भी यहाँ के लोकल्स ही हैं। तो ये है मेन जर्मनी का मोनास्ट्री, और ये मतलब सबसे बेस्ट है अभी जितने भी हमने देखे। देखिएगा मतलब यहाँ पे भी बेस्ट माना जाता है। तो बेसिकली टोटल यहाँ पे 32 मोनास्ट्रीज हैं, और मतलब सारे कंट्रीज जो भी बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो उन्हें बनाना अलाउड है। मतलब नेपाल उन्हें लैंड देता है, बट मोनास्ट्री आपको खुद अपने एक्सपेंसेस से बनाना है। तो यहाँ पे अभी टोटल 32 कंट्रीज का है, और ये लुम्बिनी जो प्रोजेक्ट है टोटल एक 5 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। तो अभी यहाँ का सेकेंड ईयर चल रहा है, और 3 साल बाद यहाँ के रोड वगैरह सब कुछ कम्प्लीटली डेवलप होके मतलब ये पूरा एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन टाइप का बन जाएगा। तो ये है वियतनाम का, उसके बाद आई थिंक ये चाइना का है, बट आई एम नॉट श्योर, चाइना का उधर का ही है, चाइना का काफ़ी बड़ा है बट वो बंद है। और ये है मेन जर्मनी का, जो कि काफ़ी फेमस माना जाता है। तो ये है जर्मनी का वो मोनास्ट्री। इंडिया बॉर्डर आने वाला है, आप लोग मैप में भी देख सकते हो, इंडिया को डीमार्केट किया है, और हम लोग अब सनौली बॉर्डर आ गए, मतलब जहाँ से एंटर किया था। तो बेसिकली होता क्या कि अगर आप किसी बड़े बॉर्डर से एंटर करते हो तो आपको ये मतलब छोटे वाले बॉर्डर से एग्जिट नहीं कर सकते, फिर आपको प्रॉब्लम होता है। अगर आप मतलब किसी ऐसी सनौली टाइप के बड़े दूसरे बॉर्डर से एग्जिट करोगे तो वो अलाउड है, बट भाई हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना था, और सनौली ज़्यादा दूर भी नहीं था। तो हम लोग लुम्बिनी से सनौली आ गए, और वहीं से ही एग्जिट कर रहे हैं। तो हमारे होटल से ये बॉर्डर अराउंड 10-15 किलोमीटर था, और 20 मिनट लगे हमें, और बस अब लाइन है और फाइनली फिर इंडिया पहुंच जाएंगे। तो अब इंडिया का गेट आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, वेलकम टू इंडिया। लोग स्टे कर रहे थे हयात रेजेंसी लखनऊ में, जो कि मतलब लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट होटल है, और यहाँ पे पूरी आईपीएल की टीम भी मिली हमें, और ऊपर से रूम टूर मैंने अभी तक दिया नहीं है, वो मैं अभी वापस जा के देता हूँ। मैं अब चेकआउट के टाइम में रूम टूर दे रहा हूँ, तो रूम ख़राब होगा, बट उससे जज मत करना, रूम बहुत अच्छा है। हयात रेजेंसी का रूम सर्विस, खाना वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं कल से व्लॉग नहीं बना रहा था क्योंकि कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मतलब कल हम लोग लुलू मॉल गए, वहाँ पे स्टारबक्स है काफ़ी बड़ा और वहाँ का फेमस है, उस पर बहुत सारी जगह के पर मैंने वही व्लॉग नहीं बना, हजरतगंज भी गए क्योंकि कल एकदम तबीयत खराब। हमारे लखनऊ में लास्ट डे के अभी बज रहे सुबह के 7:30, और हम लोग चेकआउट करेंगे अभी, मतलब चेकआउट भी हो चुका है, बस ब्रेकफास्ट करेंगे और निकल जाएंगे।
वापस देने के लिए, मतलब टेक्निकली आज हमारा लास्ट डे ट्रिप का, या फिर कह सकते हो कल ही लास्ट डे था, आज ट्रिप खत्म हो गया। बट वही कल मैंने ब्लॉग नहीं किया, मुझे करना चाहिए था, अब बहुत रिग्रेट हो रहा है क्योंकि कल कंटेंट की कमी नहीं थी, अब मुझे कंटेंट ढूंढना होगा। वैसे आज तो ज़्यादा कंटेंट है नहीं, बस हाईवे में जाने और ट्रिप में अभी तक हम लोग कुछ 2600 किलोमीटर गाड़ी चला चुके हैं, मतलब मैं के पापा चला चुके, बट मज़ा बहुत आया और मतलब काफ़ी एडवेंचरस रहा अभी तक का ट्रिप। मैं पहले ही बोल रहा हूँ रूम को एडजस्ट मत करना, रूम बहुत अच्छा था। तो ये है हमारा रूम नंबर 1, यहाँ पे एंटर करते ही एक मिनी बार टाइप का, उसके बाद ये वॉशरूम था। रूम की हालत बहुत अच्छी थी, हमने ख़राब किया तो होटल की गलती थी। यहाँ पे 2 ट्विन बेड थे, उसके बाद यहाँ एक टीवी था जिसमें हमने अपना फायर टीवी स्टिक लगा दिया था, और यहाँ एक सोफा था, और व्यू तो सिटी व्यू था बट सही व्यू था, मतलब सिटी स्काईलाइन व्यू टाइप्स। उसके बाद आता है हमारा रूम नंबर 2, यहाँ पे एग्जैक्टली सेम एक वॉशरूम है, ये एंट्रेंस है उस रूम का। उसके बाद यहाँ पे है एक मतलब किंग साइज बेड, यहाँ पे 2 टेबल हैं, और यहाँ भी एक सोफ़ा दिया हुआ है, और यहाँ भी एक एडिटिंग टेबल है, और यहाँ भी टीवी है, और इसका भी व्यू एग्जैक्टली सेम है क्योंकि जस्ट साइड में पैरेलल रूम्स है। तो बेसिकली हमने 2 रूम्स ले लिए थे और उन्हें ही ज्वाइन कर दिया था सिंपली ये डोर हटा। तो यहाँ पे देख सकते हो क्योंकि IPL की 2 टीम लुके, लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद, तो उनका पूरा ये सेटअप वगैरह भी किया। और एक और चीज़ है जो मैंने ऑब्जर्व किया था, आज नहीं है कल, यहाँ पे लिखा हुआ था कि मतलब क्रिकेटर्स बुफे एट चाइना हाउस, तो वो वहाँ